वाह भाई ब्रूसली वाह, आज तो मैं वाकई तुम्हें खाकर जो है ना ताकतवर यानी के मतलब किंग फू बन जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने सब्जी कौन सी खाना पसंद करते हैं? भाई सब्जियां तो मुझे सारी पसंद है क्योंकि सब्जियां सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और सब्जियों से ये फायदा है कि इंसान जो है ना बुढ़ापे में भी जवानी जैसा रहता है। गोश्त और मुर्गी तो बहुत महंगी होती है, हम लोग खरीद भी नहीं सकते, हम लोग ज़्यादातर तो सब्जी खाते हैं। ग्वारफली ये खाता हूँ और बाकी और पालक वगैरह ये खाता हूँ। सर आज हम आपको ब्रोकोली ट्राई कराएंगे। ब्रोकोली, ब्रोसली तो नाम सुना है, पुरानी फिल्मों में एक होता था फाइटर्स जो मतलब कराटे वगैरह, लेकिन ब्रोकली ये सब्जी है सर। अच्छा ये ब्रोकली सब्जी है। आज नाम सुन रहे हो, वो तो रेलगाड़ी में जो सामान उठाने वाला होता है जो वो उसको बोल रहे बोलते हैं। सर कोली नहीं ब्रोकोली, ये एक सब्जी है ब्रोकोली। सर ये है ब्रोकोली, आपके लिए मैंने इसका सालन बनवाया है। अच्छा तो ये है ब्रोकली, ये तो भाई बड़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि सब्जी का सालन नहीं अफ्रीका का जंगल है। दिखने में देखो आप देख सकते हो कैसा जलकर खूबसूरत है, ये ऐसी ऐसी सब्जी है जो अल्लाह ताला ने पैदा की है जो हम लोग खाते हैं, हम लोग शौक से सब्जी ज़्यादा खाते हैं। क्या यार ये हरा हरा बिल्कुल, हमारे यहाँ तो आती है गोभी वो सफ़ेद सफ़ेद होती है और ये तो ऐसी हरी हरी है, ये कैसी? ये सर उसी के ख़ानदान में से। अच्छा मतलब उसी की नस्ल की कोई है जी। हमने बोला ये प्लेट के अंदर भी समझो इसको पानी मिला तो ये बड़ा होता जा रहा है। आपने कलर किया इसमें? ये कलर सर इसका कुदरती है। वाकई यार बहुत मजे की। खाने में तो मजेदार है। चले अब ये है कि इस ब्रूसली को खा के ब्रोकली को खा कर टेस्ट करते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसका पूरी खानी है आधी भाई, ये तो बहुत ही जबरदस्त है यार, बड़ा मजेदार है। ये तो पहली बार देख रहा हूँ खा रहा हूँ कि इस तरह का जायका इसमें है और ये ग्रीन ग्रीन यानी बाग में। यू इट नो इट आई इट, वंडरफुल वेजिटेबल। सब्जी तो हर किस्म की मैंने खाई लेकिन ये तो पहले मरतबा मैं खा रहा हूँ ये तो हरी गोभी, लेकिन सालन बहुत मजेदार बना हुआ है। एक तो ये चम्मच से खाने की हमारी आदत नहीं है। वैसे ये डिश कहाँ से ताल्लुक रखती है? सर ये ब्रोकली सलाद में भी इस्तेमाल होती है और अमेरिका में ब्रोकली और बड़े गोश्त का साथ में बनाया जाता है सलाद। वो बड़े गोश्त का तो वैसे ही मैं दीवाना हूँ यार, उसके साथ तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ये हम लोग ने अपने गांव में तो गोभी देखी नहीं है, ये इस कलर की नहीं होती, वाइट हमारे पास होती है, ये अमेरिका से तो नहीं आई हुई है। इसकी सर काश्तकारी हर दुनिया के हर मुल्क में की जाती है लेकिन चाइना और इंडिया में ज़्यादा की जाती है। यानी कि ये जिसमें मतलब मेरे लिए एक नायाब है और पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ा कर रहा है मेरा, मतलब दिली ख्वाहिश है कि मैं नेक्स्ट अपने घर में भी यही बनाऊँ। सलाद लगी है लेकिन आप लोग ने मुझे चमचा दिया हुआ, ये तो हाथ का हाथ से खाने की चीज़ है, सलाद की तरह है, सालन तो रोटी से खाया जाता है। वाह भाई ब्रूसली वाह, आज तो मैं वाकई तुम्हें खाकर जो है ना ताकतवर यानी के मतलब किंग फू बन जाऊंगा। वैसे तो अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं लेकिन जितनी भी नेमतें हो कम नहीं होती, कभी ये ग्रीन हरे कलर की शक्ल में आ जाती है तो कभी किस शक्ल में आ जाती है, मतलब मुख्तलिफ शक्लों में उनकी नेमतें हमारे लिए आती रहती हैं। सब्जी तो जब मैंने खाई हुई है लेकिन सुना है कि ये हरे कलर की होती है, ये तो
थोड़ी ताकत वाली होती है। मतलब अगर इसे उबाल कर बच्चों को दिया जाए ना तो मेरे ख्याल में उसका हाफजा भी तेज होगा और जहन भी और आंखों की रोशनी भी, क्योंकि सब्जी में वैसे ही मतलब ज्यादा ताकत होती है। टमाटर प्याज इनका सालन बना के और उस गोभी को उबाल के जो है ना सालन में डाल के मिक्स कर दिया, ऐसा लग रहा है। वाह बहुत ही जबरदस्त। नहीं सब्जी देख के अच्छा लगा क्योंकि पहली बार देखा है, चलो ये भी खा के तो देखा कि ये खाने में क्या जायका है। हर एक चीज का जायका अलग अलग होता है, उसको भी का अलग होता है, वाइट का इसका अलग होता है। पसंद आया आपको ब्रोकली? ये ब्रोकली तो मुझे वाकई बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी बनी हुई है। एक तरह से देखा जाए सालन की तरह देखो तो सालन की तरह भी अच्छा, और अगर चम्मच से खाओ तो सलाद के हिसाब से भी अच्छा। आई लव दिस वंडरफुल वेजिटेबल। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।